क्वेश्चन लिखो, वक्र एक्स स्क्वायर इक्वल फोर वाई, वक्र एक्स स्क्वायर इक्वल फोर वाई और रेखा x इक्वल फोर वाई माइनस टू से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। Find the area between the curves x square equal 4y and the line x equal 4y minus 2। Area निकालने के लिए दो बातें बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए, बताओ कौन सी दो बातें? Tracing आनी चाहिए, tracing मतलब समीकरण का चित्र बनाना हमको आना चाहिए, और दूसरी बात integration आना चाहिए। समाकलन नहीं आएगा तो फिर आप कैलकुलेशन से आंसर कैसे दे पाओ? दो बातें अच्छी से आनी चाहिए, कौन कौन सी? ट्रेसिंग और इंटीग्रेशन। चलो ट्रेसिंग की पहले बात करते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई, यहां से एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट फोर वाई, फोर से बाहर आया टू, टेबल बनाएंगे कम से कम पांच पॉइंट, जीरो रखो जीरो, इस बार इधर कौन बैठा है? एक्स की वाई, वाई की वैल्यू मानो रखो जीरो, जीरो रूट से आ रहा है ना, जीरो वन रखो, वन का प्लस
चार पॉइंट लिए, जब एक्स की वैल्यू माइनस फोर है तब भी वाई की वैल्यू क्या है प्लस फोर, माइनस फोर पे भी वाई की वैल्यू प्लस फोर, तो टू तो ये हो गए। और चले अब ये एक दो तीन चार पांच, पांच पॉइंट लगे हैं, एक्सिस है, अब इसको ट्रेस करो, पैराबोला टाइप बनेगा। ये हमने क्या बना दिया है, इस इक्वेशन का कर्व हमने ट्रेस कर दिया, खींच दिया। अब एक और बचा है, ये एक्स इक्वल कितना है फोर वाई माइनस टू, ये लाइन है, क्या ये लाइन हमें रेखा, तो लिखा भी है उसमें रेखा, ना लिखा है तो पहचानना आना चाहिए। एक्स में एक एक पावर है, वाई में एक पावर है, जब सिंगल सिंगल पावर होती है वो लाइन होती है, रेखा होती है। इसको आप अंतर पहले बना लो, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल वन, इस फॉर्म में बना लो। आपको टेबल नहीं बनानी पड़ेगी, टेबल से करना, टेबल से कर लो, एक्स की वैल्यू अपने मन से मान लो, वाई की निकाल लो, या वाई की मान लो एक्स की। चलो इसको ले लाते हैं, माइनस का फोर वाई माइनस टू, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल वन लाने के लिए, यहाँ वन लाने के लिए माइनस टू से डिवाइड करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे, जो बोलते हैं तक इसी से डिवाइड कर दो, इसी से डिवाइड कर दो, सम में हमने माइनस टू से डिवाइड कर दिया, दो माइनस नहीं रहे, ये जब फोर हटाओगे तो ये डिवाइड के डिवाइड में जाएगा, एक्स अपान माइनस टू प्लस वाई अपान टू बाई फोर का मतलब वन बाई टू। अब एक्स एक्सिस में कितना चलना है माइनस टू, एक्स एक्सिस में चलना है माइनस टू, वाई एक्सिस में कितना चलना है हाफ, चलो माइनस टू, यहां से माइनस वन माइनस टू मिल गया पॉइंट। y में कितना लिखा है बच्चे, वन बाई टू, वन बाई टू का मतलब आधा चलना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, x एक्सिस y एक्सिस में आधा चलना है पॉजिटिव, ये तो पूरा टू हो गया, बीच में वन हो गया, और आधा इससे भी आधा, ये मिला पॉइंट। अब सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, यानी सीधे पॉइंट टू पॉइंट जाके मैच करके निकल जाएगा, ऐसे मैंने नहीं लाए। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था इस कर्व इस लाइन के बीच का एरिया, ये है कर्व, ये है लाइन, बीच का एरिया ये बनेगा, देख पा रहे हो अपनी आप लोग देख पा रहे हो बराबर, बोलते क्यों नहीं, यहां पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहां पर एक्स की वैल्यू दिख ही रही है, नहीं दिख रहे, देखो यहां से काउंट करो, जीरो माइनस वन माइनस टू, और यहां पे नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे आप। हालांकि हमें लगता है कि शायद कर्व अच्छा बनता तो ये इसी साल में हो सकता है टकरा जाए, जहां तक इसके सामने टकर जाएगा तो अगर इससे लंब डालेंगे तो इसपे गिरेगा, x की वैल्यू आएगी 1 एंड 2, ये हमारा अंदाजा है, मगर गणित अंदाजों में नहीं चलते, तो क्या करें, इसकी गारंटी नहीं कि डायग्राम बिल्कुल सही, हाँ सही है मगर बिल्कुल सही नहीं, तब क्या किया जाए, आपको तो बिगाड़ दोबारा बना दें, नहीं सॉल्व करें, क्या करेंगे सॉल्व करें, अगर आप सॉल्व करोगे तो भी लिमिट पता चल जाती है, डायग्राम अगर आप ग्राफ पेपर बना रहे हो उसमें तो सब नापा तुला होता है, उस पर अगर बनाओगे, अगर ग्राफ पेपर बनाओगे तो बिल्कुल डायग्राम सही बनेगा, तो वहीं से छाट ले होगी तुरंत क्या लिमिट है, मगर अगर प्लेन पेपर बना रहे हो तो आप काउंट नहीं कर सकते हो कि बिल्कुल रियल प्लेस पे पॉइंट आया, तो फिर वहां चलेगा अंदाजा, अगर अंदाजे में है तुम्हें डाउट तो तुम क्या करोगे सोल्यूशन करोगे, सोल्यूशन करके लिमिट निकालोगे, ध्यान देंगे डिटरमिनेशन काउचौ के हो सुनिए।
डेफिनेशन ऑफ लिमिट यानी लिमिट की गणना। चलिए देखते हैं, लिमिट हमारी किसमें है, एक्स में है, इन दोनों में बिना पावर वाला ये एक्स इक्वल 4y-2। यदि हमें लिमिट x में पता करनी है तो यहां से y की वैल्यू निकालो, 4y=x+2, y=x+2 y, कर्व पकड़ो, कर्व में रखो वैल्यू, x² = क्या है 4y, x² = 4, y की वैल्यू अभी बताओ y की वैल्यू ये है x+2 y 4, सही है, 4 से 4 कैंसिल, x² = x+2, ट्रांसफर ले लो इधर तो -x - 2, फैक्टर करें तो x² - 2x - x, गुणन करने को बोलते हैं x - 2 + 1x - 2, दोनों क्या कहा x - 2 x + 1, यहां से x की वैल्यू 0 के बराबर लेंगे तो x की वैल्यू 2, x की वैल्यू माइनस, यानी ये अगर आप सही डायग्राम बनाओगे तो लगभग लगभग पॉइंट ऐसे जाएगा। सुन रहे हो, यहां पे इस जगह ये पॉइंट मिलेगा, इससे नंबर डालोगे ऐसे तो काउंट करो 1 2, यानी अंदाजा हमारा बिल्कुल कैसा है, सही है, लेकिन आप अंदाजों नहीं करेंगे, आप ऐसे सोल्यूशन करके लिमिट क्लियर लेंगे, चित्र से तो पता चली जाएगा, लिमिट कैलकुलेशन से भी पता करेगी। तो लिमिट आ गई हमारी, अब एरिया निकालना है। वैसे एरिया क्या होता है, वाई डी एक्स सिंगल कर्व के लिए, आज आप क्या पढ़ रहे हो डबल कर्व, तो y - y dx, क्या बताया y - y dx। अब कुछ लोग कहेंगे मास्टर साहब y - y dx 0 हो जाएगा, अरे मैथमेटिक्स कहती है ना, तो आप क्या करेंगे, इसको कह देंगे y1, इसको कह देंगे y2, सिंगल लूप है तो मल्टीप्लिकेशन कुछ चलेगा नहीं, y1 का मतलब किसी एक कर्व से y की वैल्यू, अब वो इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, तो किसी से भी पहली वैल्यू रख दो, अब कह दो इससे दिक्कत क्या आएगी, कोई कहेगा हम इससे पहले y की वैल्यू देंगे वो y1 है, इससे बाद में कहेंगे, कोई कहेगा हम इससे y की वैल्यू पहले दे दें वो y1, इससे y2, अंतर केवल माइनस का आता है, रिजल्ट नेगेटिव आ जाए तो लिख देना एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, क्षेत्रफल माइनस में होता ना इसलिए माइनस छोड़ देना। यदि आप कहते हो नहीं हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहेंगे लास्ट में, हमें पॉजिटिव रिजल्ट ही मिले, तो फिर वो मदद करेगा ट्रेसिंग, मदद हमारी कर देगा, ये जो चित्र बना है इसमें जो डायग्राम कलर्ड है, कलर्ड पार्ट, ये जो संतरे की ऐसी कली बनी है ना, इसमें देखो ऊंचाई पे कौन है, ऊंचाई पे ये है ना, और गहराई कौन है, ये तो ये गहराई वाली जो लाइन है ये लाइन, ये कौन है कर्व, तो जो नीचे है वो वैल्यू कैसी है छोटी है, और जो ऊपर है वो वैल्यू कैसी है बड़ी है, इसका मतलब लाइन से जो वाई होगा वो बड़ा होगा, कर्व से जो वाई होगा वो छोटा होगा, तो जब लाइन से वाई है वो y1 है, कर्व से जो वाई है वो y2 है, तो लाइन यही तो थी, यही तो लाइन थी, यही तो लाइन थी, बोलो इससे y की वैल्यू बोलो क्या, लाइन से y की वैल्यू बोलो, यही y1 है, x + -y2 कर्व से, यहां से y की वैल्यू बताओ, बता दे यहां से देखना 4y = x² y = x² / 4, अलग अलग लिमिट ले लो -1 से 2 dx, कैलकुलेशन देखो जरा x / 4 -1 से 2 dx, अगला देखो 2/4 dx लिमिट x = -1 से 2 माइनस लास्ट में क्या है x² / 4 लिमिट -1 से 2, अब इन सबको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा, कंप्लीट कर दो। बात कही विकास पाल ने कि लिमिट दिखाते कुछ और लगाते कुछ,
करने का सिंबल है। यहाँ पे कर्व कटा था तो लिमिट यहीं से होगी, एक्स इक्वल माइनस वन यहां से नहीं होगी, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन देते हैं, ये 1/4 बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई टू लिमिट माइनस वन से टू, ये 2/4 बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन x लिमिट माइनस वन से टू, माइनस 1/4 कॉन्स्टेंट बाहर आया, x स्क्वायर का हो जाएगा x क्यूब बाई थ्री लिमिट माइनस वन से टू। नेक्स्ट स्टेप देखो, 1/2 × 4 = 8, 2 अप्लाई करो 2² माइनस माइनस 1 अप्लाई करो माइनस 1 का स्क्वायर, ये से कैंसिल 1/2, x में 2 अप्लाई करेंगे फिर माइनस x में माइनस 1 अप्लाई करेंगे, 3 × 4 = 12, 1/12, 2 अप्लाई करेंगे 2³ माइनस माइनस 1 अप्लाई करेंगे माइनस 1 का क्यूब। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, 1/8, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1/2, 2 माइनस मिलके प्लस तो 2 प्लस 1, माइनस 1/12, 2 का क्यूब 8 माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, 1 माइनस बाहर है तो प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, 1/8 यहाँ पे आया 3, 1/2 यहाँ पे आया 3, माइनस 1/12 यहाँ पे आया 9, 3/8 प्लस 3/2 माइनस 3 से कैंसिल कर दो 3/4, एल से मिला 8 यहाँ पे आया 3 यहाँ पे आया 4 × 12, ये 2 × 6 यहाँ पे आया 15 माइनस 6/8 9/8 वर्ग मात्र लिख देना या स्क्वायर यूनिट लिख देना, क्वेश्चन यहाँ से कम्प्लीट।